तमाम अनुमानों को गलत बताते हुए जेडीयू ने सिवान लोकसभा सीट से रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को टिकट देने का फैसला लिया है। इसी के साथ अब यह तय हो गया है कि सिवान लोकसभा सीट की वर्तमान सांसद कविता सिंह का टिकट कट गया है। कविता सिंह के टिकट कटने के बाद उनकी आगे की क्या रणनीति होगी, यह आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अब इस सीट से नए चेहरा के आ जाने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बहरहाल टिकट देने के लिए जेडीयू ने सिवान के जीरादेई से पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी को पार्टी में शामिल कर लिया है। इस मौके पर रमेश कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के कामकाज से प्रभावित होकर हम जेडीयू ज्वाइन किए हैं। पहले भी हम जेडीयू में रह चुके हैं, घर वापसी हुई है। हम कुछ दिन पहले तक उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब जेडीयू में हम आ गए हैं। एनडीए एक परिवार की तरह है। बिहार एनडीए के सभी दल बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सभी 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगा। वहीं नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि रमेश कुशवाहा का सिवान गोपालगंज इलाके में पकड़ है, इनके आने से जेडीयू को मजबूती मिलेगी। वहीं सांसद संजय झा ने कहा कि रमेश कुशवाहा 2015 से 2020 तक जेडीयू से विधायक रहे, 2020 में पार्टी से अलग हो गए थे, वापस फिर आ गए हैं। पार्टी को चुनाव में लाभ होगा। इसके अलावा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि रमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में हैं, सब परिवार की तरह हैं, आपसी बातचीत से जेडीयू में आए हैं। यह भी सच है कि सिवान से नए चेहरे के आने से लड़ाई दिलचस्प होगी। दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि सिवान से कई बड़े नेताओं ने खुद को निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है, इसमें से एक ओम प्रकाश यादव भी हैं। सिवान से दो बार के सांसद और जिला के बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय ताल ठोका है। इसी तरह पूर्व सांसद दिवंगत साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में है। बताया जा रहा है कि राजद की ओर से हीना साहब को टिकट नहीं मिलने की स्थिति में हीना साहब अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो राजद के महागठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन तक सियासी उठापटक तय है। बता दें कि 2019 में जेडीयू की कविता सिंह ने साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब को शिकस्त दी थी। इससे पहले 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने हीना साहब को शिकस्त दी थी। इसी तरह 2009 के लोकसभा चुनाव में भी ओम प्रकाश यादव ने हीना साहब को हराया था।